नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे साल 2018 में रिलीज हुई कुछ बड़े बजट की फिल्मों की जिन्हें ज़्यादातर ऑडियंस ने नापसंद किया। दिवाली 8 नवंबर 2018 में रिलीज हुई यशराज बैनर की बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिल्म को ऑडियंस और क्रिएटिव दोनों से नेगेटिव कमेंट्स मिले। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को काफ़ी ट्रोल किया गया। अमिताभ बच्चन और आमिर खान तो फिल्म की असफलता से काफ़ी शॉक्ड हुए। करीब 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 151 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं ईद पर रिलीज हुई 15 जून 2018 में रेस 3। वैसे ईद के त्यौहार को सलमान खान के लिए लकी माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, 15 जून को रिलीज हुई सलमान खान स्टारर फिल्म रेस 3 को क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस ने भी नकार दिया। फिल्म को काफ़ी नेगेटिव कमेंट मिले और सोशल मीडिया पर भी फिल्म का काफ़ी मजाक उड़ाया गया। वहीं 18 अक्टूबर को रिलीज हुई नमस्ते इंग्लैंड डायरेक्टर विपुल शाह की ये फिल्म अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर नमस्ते लंदन की सीक्वल थी, लेकिन पिछली मूवी की तरह इस फिल्म में कोई दम नहीं था और ना ही अर्जुन कपूर परिणीति चोपड़ा की केमिस्ट्री लोगों को लुभा पाई। 60 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 8 से 10 करोड़ रुपए रहा। वहीं 5 अक्टूबर को रिलीज हुई लवयात्री सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की इस फिल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। फिल्म के गाने भी काफ़ी पसंद किए गए, लेकिन अफसोस फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म का बजट 25 करोड़ था और इसका कलेक्शन महज 10 करोड़ के आसपास रहा। वहीं अगर हम बात करें बत्ती गुल मीटर चालू की, जो कि 21 सितंबर को रिलीज हुई, शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और यामी गौतम स्टारर इस फिल्म का हाल भी बेहद बुरा रहा। 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 37 करोड़ के करीब कलेक्शन किया। फिल्म काफ़ी गंभीर मुद्दे पर बनी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे नकार दिया। वहीं अगर बात की जाए 31 अगस्त 2018 में रिलीज हुई यमला पगला दीवाना फिर से, यमला पगला दीवाना सीरीज के ये तीसरी फिल्म थी। 30 करोड़ के बड़े बजट में बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 9 से 10 करोड़ रुपए ही मिले। वहीं 3 अगस्त 2018 में रिलीज हुई फन्ने खां, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और राजकुमार राव की इस फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये सभी उम्मीदें बेकार साबित हुई। ना फिल्म चली और ना ही फिल्म के गाने। वहीं 16 फरवरी 2018 में रिलीज हुई अय्यारी, बेबी और अ वेनेसडे जैसे फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर नीरज पांडे की ये मूवी काफ़ी चर्चा में रही। फिल्म में मनोज वाजपेयी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग भी लोगों ने काफ़ी पसंद की, लेकिन 60 करोड़ के बड़े बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 18 करोड़ ही कमा सकी। वहीं 13 अप्रैल 2018 में रिलीज हुई फिल्म अक्टूबर पीकू की सक्सेस के बाद डायरेक्टर सुजीत सरकार की इस फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि वरुण धवन की एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया। वहीं 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई विश्वरूपम 2, कमल हसन ने बहुत ही मेहनत और उम्मीदों से इस फिल्म को बनाया था, लेकिन ये फिल्म पिछली फिल्म की तरह कोई कमाल नहीं दिखा सकी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।